जिला अनंतनाग में सैलिया बांगू गांव के लोगों को पिछले एक साल से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई बार हमने सरकार से अनुरोध किया है, लेकिन किसी ने भी इस पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सरकार से जल्द उनकी जरूरतों को पूरा करने की मांग की। बहुत पानी की किल्लत है। नवंबर से हमने आज तक कभी पानी देखी भी नहीं है, जबकि हमने काफी बार आवाज उठाई है। आजकल बोलते रह रहे हैं तो, मगर हमारी जानवरों तो इंसानों की तो बात ही नहीं, जानवरों को पानी पीने के लिए नहीं। हमारे गांव में रहते हैं, जैसे हमारी मामों बहनें हैं, कुछ अंधे हैं, कुछ गूंगे बहरे हैं, उनको यहां से 1.5 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ता है कि पानी मतलब हाथ मुंह धोने के लिए। हमें हर वक्त इनको बोलते हैं कि हमें चलो साफ़ सुथरा पानी नहीं, कम से कम वो पानी तो दे दो जो हमें जानवरों के काम आए, बाथरूम को धुलने के काम आए, लेकिन यहाँ पर कभी पानी होते ही नहीं। काफ़ी बार हमने कोशिश किया लेकिन कोई हमारी आवाज़ सुनते ही नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? बस हम चाहते हैं हमारे काम जल्द से जल्द पूरे करो। यहाँ पर हमारी ज़मीन में खेती बाड़ी में हमारी दरख्त काटी गई, वहाँ पर काटी गई हमारी दरख्त पड़ोसी गांव के लिए पानी है, हमारे लिए तो नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमें फिल्ट्रेशन के पानी चाहिए। किस सूरत में ये करेंगे, चाहे इनको ऊपर से एक फिल्ट्रेशन और बनाना पड़े, लेकिन इस गांव में पानी उसकी होना चाहिए।